मेगा लीगल एड कैंप का आयोजन एमएमडीयू में किया गया है और मुलाना में यह कार्यक्रम है। राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अंबाला के डीएससी, एडीसी, एसपी समेत कई लीगल एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहने वाले हैं। हजारों की संख्या में आम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा है। अलग अलग विभागों की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो देखिए, बहुत जरूरी है कि आम जनता के अंदर देश के कानूनों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हो। इसी जागरूकता के लिए एमएमडीयू ने मेगा लीगल एड कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है। कैंप बेहतर है, लाजवाब है, क्योंकि यहाँ पर आम जनता को जागरूक किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह उनके अधिकार वो सुरक्षित रख सकते हैं, क्या उनके अधिकार है, क्या देश का कानून कहता है, क्योंकि अक्सर जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या बनती है देश में। तो मेगा लीगल एड कैंप एमएमडीयू में ऑर्गेनाइज किया गया है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम में जागरूकता एक मिशन के तौर पर रखी गई है। लोगों तक विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। जागरूक किया जाना है आम जनता को, देश के कानूनों के प्रति जागरूक किया जाना है, आम जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। ज्योति, आम जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है, चाहे उनके अधिकार हो, चाहे देश के कानून हो। ऐसे में आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल क्या पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी? बिल्कुल आरती, सबसे पहले मैं अपडेट दूंगी, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में लीगल लिटरेसी को लेकर जानकारी दी जा रही है कि कैसे कानूनी तौर पर साक्षर हूँ। लेकिन इसके अलावा एक और जो बड़ी बात कि जो सरकार की योजनाएं हैं आरती, उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, अलग अलग विभागों की जो योजनाएं हैं कैसे जनता तक पहुंचाई जाए, इसके लिए महर्षि मार्कंडेश्वर डीम टू बी यूनिवर्सिटी मुलाना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और कार्यक्रम में टीसी गुप्ता, जो कि राइट टू सर्विस कमीशन हरियाणा के चेयरमैन हैं, वो बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता होकर रखे हैं। एक तरफ कार्यक्रम चल रहा है महर्षि मार्कंडेश्वर डीम टू बी यूनिवर्सिटी मुलाना के लॉ डिपार्टमेंट में, अंदर बच्चे जो हैं, डिपार्टमेंट के बच्चे जो हैं, वो कानूनी तौर पर कैसे जागरूक रहा जाए, इसको लेकर कार्यक्रम कर रखे हैं, प्रस्तुति दे रखे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें दर्शक देख पा रखे हैं। मैं अपने सहयोगी जसवीर मलिक को कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से स्टॉल्स लगाई गई है आरती, अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई हैं, अलग अलग स्टॉल्स के जरिए अलग अलग विभागों की जो योजनाएं हैं उन तक जनता कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, कानूनी सहायता के लिए स्टॉल लगाया गया है। ये भी दर्शकों के सामने कि थाने में महिला के अधिकार क्या हैं, कैसे कानूनी मदद मिल सकती है, क्या अधिकार है, दुर्गा शक्ति ऐप किस तरह से काम कर रहा है, इसे लेकर भी जानकारी दी जा रही है। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अंबाला की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आज मुलाना में, महर्षि मार्कंडेश्वर डीम टू यूनिवर्सिटी मुलाना में। साथ ही राइट टू सर्विस कमीशन हरियाणा की ओर से भी अलग अलग 31 विभागों के 35 जो डिपार्टमेंट के दफ्तर हैं उनसे जुड़ी जो योजनाएं हैं आरती, उनकी जानकारी दी जा रही है कि कौन कौन सी योजनाओं का आप ऑनलाइन फायदा उठा सकते हैं, कौन सी योजनाएं वो हैं जिनका ऑफलाइन फायदा उठा सकते हैं, और क्या क्या जनता के लिए सरकार लेकर आई है, ये विस्तार से बताया जा रहा है। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव जो कि बैनर पर देख पा रहे हैं दर्शक, तो आजादी के अमृत महोत्सव के आप कह सकते हैं तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जनता तक तमाम जानकारियां मेडिकल स्टोर से जुड़ी, इमरजेंसी रूम से जुड़ी, ये बातें जो कि बताई जा रही हैं, ये वाली स्टॉल जो लगाई गई है उसके जरिए, और ये गवर्नमेंट आईटीआई अंबाला की ओर से ये वाला स्टॉल लगाया गया है, तो तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। इसके साथ ही ये वाला स्टॉल भी हम दिखाएंगे, और स्टॉल के पीछे देखिए आप काफी भीड़ देखेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में बताया कि 3 से 4 हजार लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो स्किट जो कि प्रस्तुत की जा रही है, प्ले किए जा रहे हैं, और जो बाकी कार्यक्रम के प्रस्तुति दी जा रही है। कुल मिलाकर ये वाला बैनर मैं दिखाना चाहूंगी आरती, ये सबसे अहम बैनर आप कह सकते हैं हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का। जी, 31 डिपार्टमेंट्स हैं, 38 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 277 वो योजनाएं हैं जो कि अंत्योदय सरल पोर्टल पर हैं, जो कि सरकार की प्राथमिकताओं में आता है पारदर्शिता के लिहाज से, 184 अदर ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं उन पर हैं, 85 वो हैं जो कि डिलीवर की जाती हैं ऑफलाइन,
546 सर्विस वो हैं जिनको लिस्टेड किया गया है, नोटिफाइड किया गया है। तो हरियाणा सर्विस कमीशन, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आरती, जिसकी जानकारी लेने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। बिल्कुल, हजारों लोग पहुंच रहे हैं, जानकारी लेना चाहते हैं सरकार की योजनाओं की भी और देश के कानून, अपने अधिकार, इन तमाम बातों की जानकारी इस पूरे कार्यक्रम में दर्शकों को भी मिल रही है और वहां पहुंच रहे आम लोगों को भी मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर जो छात्र हैं उन्हें भी सीखने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। छात्रों में इस कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह? देखिए, एक कार्यक्रम जो है आरती, वो हमने बताया कि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो कानून की पढ़ाई कर रखे हैं, एमएमडीयू के जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसका हिस्सा बने हैं, वो आयोजित किया गया है डीएलएसए की ओर से। तो डीएलएसए की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें छात्र मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रखे हैं। उसमें कानून से जुड़ी आपकी क्या जानकारी वो है जो होनी ही चाहिए, उन बातों को लेकर प्रस्तुति दी जा रखी है, प्ले के जरिए भी, इसके साथ साथ और भी प्रस्तुति दी जा रखी है, कविता भी बच्चे सुना रखे हैं। इसके साथ ही दूसरा जो है वो सरकार की योजनाओं से जुड़ा है कि सरकार की कौन सी योजनाएं, इसमें किसी कोई भी बात करें, किसी भी सेवा की आप बात करें, कि आपको अगर आधार कार्ड बनवाना है तो वो तय समय सीमा के अंदर बन पाए, ये प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन यानी सेवा का जनता को अधिकार है, तय समय के अंदर कैसे सेवा हो पाए। और जब से टीसी गुप्ता ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है, तब से अलग अलग जिलों में भी हो जा रही है, अलग अलग जिलों में जाकर मीटिंग्स कर रखी है, तय समय के अंदर काम हो ये हरियाणा सरकार की भी प्राथमिकता है, तय समय के अंदर काम हो ये टीसी गुप्ता की भी प्राथमिकता है। कि आपको अगर लाइसेंस भी बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, रजिस्ट्री करवानी है, तो कैसे आप जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। और जो भी अधिकारी इसमें कॉपरेट नहीं करता है या समय पर काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ये भी सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल, तो सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन देखिए यहाँ पहुंचे हैं और जानकारी उन तमाम योजनाओं के बारे में दी जा रही है जो हाल फिलहाल चल रही है, जिनका लाभ आम जनता तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करा इस पूरे कार्यक्रम का एक कह सकते हैं कि लक्ष्य है, सुनिश्चित किया जाना कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, एमएमडीयू में मेगा लीगल एड कैंप का आयोजन किया गया है, बेहतरीन ये कार्यक्रम है क्योंकि इसमें जागरूकता उन योजनाओं के प्रति फैलाई जा रही है, लोगों तक पहुंचाई जा रही है जो अभी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, ताकि आम जनता को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।